हेलो फ्रेंड्स। और 600 मिलियन साल पहले दिन 22 घंटे का हुआ करता था, मतलब 11 घंटे का दिन और 11 घंटे की रात। और अर्थ पर कुछ टाइम पहले ही एक जबरदस्त आइस एज आकर गया था। और आइस एज आने से पहले जो बैक्टीरियाज थे वो ओशियन में यानी कि बर्फ के नीचे चले गए और वहीं पर लाखों साल तक सरवाइव करते रहे। और जब आइस एज ओवर हुआ तब सारी बर्फ मेल्ट होकर पानी बन गई, जिसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता चला गया और ये इवॉल्व होकर ग्रो हो गए, सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन गए, मतलब एक से ज्यादा सेल वाले एनिमल्स। इनका साइज 6 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक हुआ करता था। और सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप पिछली वीडियो देखें। और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया भर के ओशियंस में फैल गए। और 500 मिलियन साल पहले के ये वही रेंगने वाले एनिमल्स हैं जिससे इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े इवॉल्व हुए। लेकिन इसके अलावा एक और खास एनिमल था जिसको नाम दिया गया था पिकाइया। और ये पहले एनिमल्स थे जिन्होंने स्पाइंस डेवलप कर लिया, मतलब इनके पास गर्दन हुआ करती थी बिल्कुल जैसे हम इंसानों में होती है। और अब 450 मिलियन साल पहले तक पानी में तो कई तरीके के एनिमल्स इवॉल्व हो चुके थे, लेकिन पानी के बाहर अर्थ सरफेस पर कोई भी एनिमल और प्लांट नहीं दिख रहा था। इसका सीधा सा रीजन था सन, क्योंकि सूरज से खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सीधे जमीन पर पड़ रही थी जिसके वजह से कोई भी चीज जीवित नहीं रह पा रही थी। लेकिन अभी तक अर्थ की हिस्ट्री में एक बहुत ही खास इवेंट हुआ, ओजोन फॉर्मेशन का। सूरज की रेडिएशन से जब ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तब ऑक्सीजन के 3 एटम एक साथ जुड़ गए और बना दिया ओजोन लेयर। इस लेयर ने बहुत ही कमाल का काम किया और पूरे अर्थ को कवर कर लिया, जिसके वजह से अब सन से यूवी रेज अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे जमीन पर पेड़ उगाए और ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होने लगा। और ऑक्सीजन इतना इंक्रीज हुआ कि अब पानी और जमीन दोनों हैबिटेबल थे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए। और इसी के चलते टाइटेलिक नाम की मछली पानी से बाहर आकर रहने लगी। मछली अब पानी और जमीन दोनों जगह रह सकती थी बिल्कुल एक मेंढक की तरह। इसके अलावा और भी कई तरीके के क्रिएचर्स इवॉल्व हुए, जैसे उड़ने वाले ड्रैगन फ्लाई, रेंगने वाले मिलीपेड्स जो 2 मीटर तक के होते थे, और गिरगिटान की तरह दिखने वाले ये एनिमल्स। और यहीं से स्टार्टिंग हुई एग की, क्योंकि लिजार्ड की तरह दिखने वाले ये रेप्टाइल्स अंडे देते थे, मतलब मुर्गी से पहले भी कई जानवर ऐसे थे जो अंडे देते थे। अब 300 मिलियन साल पहले जो रेप्टाइल्स थे उनका साइज बड़ा होता चला गया और वो एक गिरगिटान की साइज से डायनासोर बन गए। और ये डायनासोर कई सालों तक अर्थ पर रहे, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक बार फिर लावा बाहर आने लगा। और इस बार ये लावा किसी वोल्केनो से नहीं आ रहा था, बल्कि इस बार तो जमीन ही फट गई थी। और जमीन फटने से जो लावा बाहर निकला उससे चारों तरफ आग लग गई और एक साइड के सारे डायनासोर मर गए। और इसी तरह जो आग लगी उससे एटमॉस्फेयर में इतनी राख उड़ी कि एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, मतलब हवा जहरीली हो गई और एसिड की बारिश होने लगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा जिसके वजह से डायनासोर तो मरे ही, साथ ही ओशियन यानी कि पानी में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने लगे। और जब पानी का टेम्परेचर बढ़ा तब मीथेन गैस पानी के नीचे जमी हुई थी जो वो बाहर आने लगी। अभी से 250 मिलियन साल पहले अर्थ एक बार फिर से लाइफलेस हो गया था, मतलब कहीं भी किसी तरह का कोई प्लांट्स और एनिमल नहीं था। और ये सब लगभग 50 मिलियन साल तक चला और एसिड रेन न्यूट्रलाइज हो गई, लावा ठंडा हो गया और टेम्परेचर हैबिटेबल हो गया, जिससे एक बार फिर पेड़ निकल आए और डायनासोर फिर से बढ़ने लगे। और इस बार पेड़ इतने ज्यादा इवॉल्व हुए जितना ना तो इससे पहले कभी थे और ना ही उसके बाद, इवन आज भी नहीं। और ओशियन में फिश डेड होकर जमीन में बैठती चली गई, जिससे करोड़ों साल बाद डेड बॉडीज फ्यूल में कन्वर्ट हो गई जो आज हम अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।